फाइनेंस कर्मी से लूटकांड का आरोपी गिरफ्तार। लूट का 2000 रुपए और मोबाइल बरामद। कृष्णागढ़ थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर पुल के पास उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के कर्मी से 28 अगस्त को 29,645 रुपया नकद के साथ मोबाइल और लैपटॉप की लूट की घटना हुई थी, जिसमें पुलिस ने लूटकांड में शामिल बड़हरा थाना क्षेत्र के रामपुर गांव निवासी टेंडरी पासवान के पुत्र प्रेम पासवान उर्फ चिंटू को गिरफ्तार कर लिया। प्रेस वार्ता में एसपी प्रमोद कुमार ने बताया कि 28 अगस्त को बड़हरा थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर पुल के पास उत्कर्ष स्माइल फाइनेंस बैंक के सरैया ब्रांच के TCO के पद पर कार्यरत पीयूष कुमार से बाइक सवार तीन अपराधियों ने हथियार का भय दिखाकर उसके पास से 29,645 रुपया नकद, लैपटॉप और मोबाइल लूट लिया था। घटना के बाद मूल रूप से पटना जिले के सलेमपुर थाना क्षेत्र के बिदुपुर निवासी महेंद्र शर्मा के पुत्र पीयूष कुमार के द्वारा बड़हरा थाना में FIR दर्ज कराया गया था। FIR दर्ज होने के बाद पुलिस ने छापामारी कर रामपुर गांव से आरोपी की गिरफ्तारी कर लिया। उसके पास से लूट के 29,645 रुपया में से 2000 रुपया और लूट का मोबाइल भी जब्त कर लिया। हाँ सर, बताया जाए तीन मामलों के लिए प्रेस वार्ता। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस दो महत्वपूर्ण लूट के उद्भेदन के साथ साथ अपराधियों की गिरफ्तारी और आर्म्स के साथ गिरफ्तारी को लेकर बुलाई गई है। पहला मामला बड़हरा थाना अंतर्गत एक लूट की घटना हुआ था सरैया क्षेत्र में जो है, और ये 28 अगस्त को हुआ था। एक उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड है, उसका एक कर्मी था और जिसका नाम पीयूष कुमार था। ये 28 अगस्त को कुछ कलेक्शन करके लगभग 29,000 के आसपास रुपए लेके जा रहा था, 29,645 रुपए। और जैसे एक पेट्रोल पंप है जो है सरैया में जो है, वहाँ पर इब्राहिमपुर पुल के पास में जो है, वहाँ पर जैसे पहुँचा था अपाची सवार जो है, दो तीन लड़के थे, उन्होंने उसको रोक कर जो है उससे पैसा जो है छीन लिया था और फिर उसके धमकी देकर वहाँ से भगा दिया था। तो उसमें FIR दर्ज हुआ था। तो उसकी हमारी जो टीम गठित हुई थी, टीम लगातार उस पर काम कर रही थी। कल कुछ आसूचना के आधार पर जो है वो जो अभियुक्त था उसका जो सत्यापन किया गया और उसकी गिरफ्तारी की गई। जिस अभियुक्त का नाम प्रेम पासवान और चिंटू पासवान है, ये रामपुर बड़हरा का ही रहने वाला है। इसने घटना को स्वीकार भी किया है और जो बैग और मोबाइल और टैब ले गया था तो उसमें से मोबाइल इसकी जो है बरामद हो गई है। जो मोबाइल भी छीनी गई थी, मोबाइल भी बरामद हो गई है। बैग पानी में फेंका था तो बाढ़ के जो पानी था उसमें उबा गया है। हम लोग फिर भी अभी रिकवरी का प्रयास कर रहे हैं और इसने स्वीकार भी किया, पैसा कहाँ था खर्च किया था, 29,000 रुपये बरामद इसने लूटा था। तो उसमें से 29,000 में से 2,000 रुपये बरामद हम लोग कर लिए हैं। बाकी शेष इसमें जो दो अभियुक्त हैं उनके जो भागे हुए हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए टीम हमारे प्रयासरत है।